हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे काफी स्टूडेंट्स मेल कर रहे थे कि मैं एक वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं उनके साथ बात करूं कि आगे उनको क्या करना चाहिए। अब देखो, सुपरवाइजर एग्जाम हो गया, आंसर कीज आ गई, ठीक है। आंसर कीज में क्या मिस्टेक है वो भी पॉइंट आउट हो गया, रिप्रेजेंटेशंस भी हो गई, ठीक। अब इस चीज में अब टाइम वेस्ट नहीं करो, कट ऑफ कितना होगा क्या होगा। आज हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कट ऑफ किस रेंज तक जाना चाहिए। जो उसमें फॉल करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके बहुत हाई चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। एंड जो उसमें फॉल नहीं करते हैं, अब उनको आगे क्या फर्दर करना चाहिए, तो ये चीज उनके लिए है। एंड इनफैक्ट जो जिन्हें कट ऑफ क्रॉस कर लिया है एंड वो फर्दर आगे किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू सेटल ओनली फॉर सुपरवाइजर पोस्ट, तो वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन चैनल का, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इस पे मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके JKSSB एग्जाम के। तो मैंने सुपरवाइजर से स्टार्ट किया, सुपरवाइजर का मैंने कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ था, मैराथन सीरीज उसकी कंप्लीट, सिलेबस भी हमारा हो गया था, MCQ वीडियो वगैरह सब कुछ कंप्लीट था। हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने GK वाले पार्ट में किया हुआ था, ठीक है। एंड इस पे मैं UPSC सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कोर्सेज भी लेके आ रही हूँ, UPSC सोशियोलॉजी। अगर आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी चैनल, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सोशियोलॉजी जो है वो सारा कवर करवाया हुआ है। पेपर ए हमारा कंप्लीट है एंड पेपर बी ऑलमोस्ट हमारा 90% कंप्लीट हो गया है। इसके आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी चैनल पे नितिन सांगवान के नाम से, ठीक है, पेपर ए एंड पेपर बी के लिए दोनों। तो अगर आप इन सारी चीजों को मिस नहीं करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में भी मैं जो और वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ, तो आपको क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट से बताएं आपको कैसे बेनिफिट हो रहा है इस चैनल से, ठीक है। एंड डू रेकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, फाइन। तो अब क्या क्या वीडियोस हम आगे, कौन कौन सा कोर्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले वीक्स में क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है। तो एक मैंने ऑप्शनल का आपको बता दिया, सोशियोलॉजी ऑप्शनल इसमें कवर करवाया जाएगा, सोशियोलॉजी प्लस मैं जनरल स्टडीज के वीडियोस लेके आऊंगी, ठीक है, जनरल स्टडीज। तो हमारा मेन एम होगा जनरल स्टडीज को ऐसे कवर करना जिससे हमारे मेजोरिटी एग्जाम्स हो जाएं। जैसे जनरल स्टडीज का हम सिलेबस वैसे टच करेंगे जिसमें आपका KS एंड साथ में नायब तहसीलदार या फ्यूचर जो भी पोस्ट आती है JKSSB की, एंड उसमें जनरल स्टडीज या GK विद रेफरेंस टू स्पेशल JNK वाला कॉम्पोनेंट है, ठीक है, उसमें आपको GK वाला जो पार्ट है वो दोबारा ना पढ़ना पड़े, वो आपके जनरल स्टडीज में कवर हो जाए, फाइन। तो वो हमें पढ़ना होगा KS के हिसाब से, जिससे आपका NT एंड बाकी एग्जाम्स हो जाएंगे। तो उसमें हमें पढ़ना होगा हिस्ट्री, हिस्ट्री में जैसे एंशियंट मेडिवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर वो हम कवर करेंगे, पॉलिटी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारे जो कोर्स है हम जनरल स्टडीज का ये कंप्लीट करेंगे, ताकि साथ में जो भी आपके SSB का पोस्ट आता है उसमें आपका ये सिलेबस निकल जाए, ठीक है। आपका अप्रोच भी यही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होगा आपको अलग अलग एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ना पड़े, ठीक है। अब आपने काफी चीजें पढ़ ली हैं जो आपको सिर्फ रिवाइज करनी होंगी, जैसे NT के एग्जाम में अगर दोबारा से रिपीट होता है कंप्यूटर या बेसिक साइंस, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, सिर्फ आपको उसका रिविजन करना है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली जनरल स्टडीज वाला पार्ट कवर करेंगे जो KS के सिलेबस का है, जिससे आपका NT इन बाकी सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे NT का ये आ जाता है नोटिफिकेशन, तो आप NT का वो रिविजन करोगे, GS का जो हमने कवर किया होगा, प्लस साथ में जो कंप्यूटर बेसिक साइंस अगर ऐसी चीजें भी NT के एग्जाम में हुई वो आप रिवाइज करोगे जो आपने सुपरवाइजर में पढ़ ली होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। एंड आपको क्या करना होगा, जो भी पोस्ट आती है JKSSB की, अब आपको अप्लाई करते रहना होगा, क्योंकि एक चीज आप समझ गए होगे, जो GK वाला पोर्शन है जो बहुत बड़ा और वास्ट पोर्शन है वो मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स का सेम होता है, फाइन। तो आप क्या करोगे, फिलहाल के लिए आप जनरल स्टडीज, जिसको KS में हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, एंड आपके SSB वाले एग्जाम्स में वो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, फिलहाल आप क्या होना चाहिए आपका फोकस, ये वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। एंड साथ में कोई UPSC या JKPSC JKS की प्रिपरेशन कर रहा है एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो वो क्या करेगा, मेरी जो नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो अगर वो उतना ही करके जाए तो वो मोर देन इनफ है उसके सोशियोलॉजी ऑप्शनल को कवर करने के लिए, ठीक है। एंड हमारा हाईलाइट क्या रहेगा इस चीज का,
हम एक कोर्स करेंगे जनरल स्टडीज का, एंड साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज है जो केएएस के प्रीलिम्स लेवल की होती है वो साथ साथ में हम कवर करेंगे। फाइन। देखो अब क्या होता है, जब भी कोई भी आप एग्जाम के लिए तैयारी करो तो आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी ही होती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कभी कभी वही एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं वो एग्जाम का मेन कंटेंट बन जाती है। एग्जाम में मेनली वही चीजें आ जाती हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें पीएचडी नहीं करनी, इतना क्यों पढ़ा रहे हो, किस लेवल का पढ़ा रहे हो। ठीक है, मैंने वेरियस डायमेंशंस कवर करने की कोशिश की थी एंड काफी एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें भरी थी, एंड पेपर देखने के बाद मुझे लग रहा है जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाती थी हर टॉपिक में, पेपर वही एक्स्ट्रा चीजों का ही आया है। अब ये एसएसबी की मर्जी है, देखो इस पे हम उसको कुछ नहीं बोल सकते पेपर किस लेवल का क्या सेट किया। वो यूपीएससी के साथ भी सेम इश्यू है, कभी उनका मूड आ जाए वो सारा आर्ट एंड कल्चर ही प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, जेकेपीएससी का भी यही इश्यू है एंड जेके हमारे एसएसबी का तो है ही। ठीक है, तो आपको अब इसमें नहीं जाना कि किस लेवल का पेपर था क्या था, बस ये दिमाग में रखो कि आपको प्रिपरेशन जो ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाओ। उसके लिए क्या जरूरी है, एक्स्ट्रा चीजें आपने कवर करी हो, और वही मेरा मेन मोटिव था आपको पढ़ाने का और कंपाइल्ड पीडीएफ में वो फिलर मटेरियल जिसको बोलते हैं वो डालने का, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मुझे पता था एसएसबी है तो वो कुछ दाएं बाएं वाली चीजें भी पूछ सकता है, एंड पेपर देखने के बाद वो दाएं बाएं वाले से ही उसने मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सेटअप किए हैं अपने। ठीक है, तो आपका फर्दर टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। हम क्या करेंगे, जनरल स्टडी स्टार्ट करेंगे, इन साथ साथ में हम टेस्ट सीरीज जो है वो उसके में हम काफी एक्टिव रहेंगे। टेस्ट सीरीज हम साथ साथ अपनी अटेम्प्ट करते जाएंगे ताकि हमें इवेल्युएशन जो है वो साथ साथ पता रहे, एंड जो खासकर केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेंस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आएगा, मेंस एक्सक्लूसिव जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह, आंसर राइटिंग उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग के कुछ वीडियोस मैं आने वाले टाइम में अपने भी इस पे भी डालूंगी चैनल पे, तो वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी, एंड आप क्या करोगे मेंस की प्रिपरेशन में भी आंसर राइटिंग वगैरह उन चीजों पे भी साथ साथ में हम फोकस करते रहेंगे। तो होगा क्या, बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चलेगी, ऐसा नहीं है पहले बिल्कुल प्रिलिम्स की तैयारी कर ली फिर बिल्कुल उसके बाद मेंस की तैयारी, नहीं। ऐसा मॉड्यूल में सेट करूंगी कि आपका प्रिलिम्स मेंस जेकेएस एंड जेकेएसएस भी सारा उसी में निकल जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करोगे, फ्रेंड्स में शेयर करोगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा चैनल का रीच बढ़ेगा उतना मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा कि मैं हर तरीके से आपकी जो हेल्प है वो कर पाऊँ, हर तरीके से नए नए वीडियोज नया कंटेंट आपके लिए ले पाऊँ एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपने रिव्यूज मेरे देख लिए होंगे अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं या आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उसमें मैंने अपने रिव्यूज पोस्ट किए हुए हैं, वो कुछ ही रिव्यूज हैं। ट्रस्ट मी, इतने ज्यादा मेल आए हैं, कई मेल तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेल बॉक्स ना भरा हुआ है, कि स्टूडेंट्स जो है उनको रियली हेल्प हुई है इस कोर्स से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले फर्दर एग्जाम्स में भी ऐसा ही हो, आपको शेयर करनी होगी चैनल ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के साथ एक्टिवली काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेरी होगी आपको पता है आपको कांटेक्ट करना है, ना आपको रिप्लाई 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, यूजुअली मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द मैसेज कितनी अर्जेंसी है उस मैसेज की। ठीक, तो आप डिसहार्टन नहीं हो जाओ, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ डिसहार्टन होने की इसमें कोई थोड़ी देर के लिए हो जाओ, बट जस्ट बाउंस बैक। अगर आपके थॉट्स ये हैं कि फैमिली के लिए कुछ करते, भाई बहनों के लिए कुछ करते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, मुश्किल से पढ़ा था, देन हर किसी का रिस्क जो होता है ना वो अलग अलग डिटरमिन करता है। आपके पेरेंट्स का अलग होगा, आपके भाई बहनों का अलग होगा, फाइन, तो आप उनके लिए क्या करते वो आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में कि आपके हाथ आपके थ्रू किसको रिस्क पहुंचाना है। तो आपको वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, फिलहाल अपने बारे में सोचो, अपने एग्जाम्स के बारे में सोचो, बाकी बातें बाद में। ठीक है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं, अपना फीडबैक देते रहे, एंड इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट हो जाए इन वीडियो से। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।